नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से बुध दिन रौथट में एक गोटे के मृत्यु, मृतक संख्या 39 पहुंचल। वातावरण सहज बनला पर लंबा दूरी का यातायात सो संचालन भ सकबाक यातायात व्यवसायी सबक प्रस्ताव। वैदेशिक रोजगारी में गेल पुरुष सब महिला से पीड़ित भेलो पर न्याय नहीं पौने सांसद कथन। आर्थिक वर्ष 2075 क्षेत्र कुल बेरोज में से 97% बेरोज मुख्य 10 मंत्रालय में, सबसे बेसी अर्थ मंत्रालय में बेरोज। आ विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के मृतक संख्या 5,82,127 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में, नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से और एक गोटे के मृत्यु भले। स्वास्थ्य जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार रौथट के 36 वर्षक पुरुष के कोरोना के कारण मृत्यु भले। आईसीयू में इलाज क्रम में रहल हुनक बुध दिन निधन भेल। संगे नेपाल में कोरोना के कारण मृतक संख्या 39 पहुँचल। बुध दिन नेपाल में और 116 गोटे के नया संक्रमित भेटल। संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 17,177 पहुँचल, जही में 11,025 गोटे संक्रमित ठीक भक घर घूरल। रौतहट जिला परुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 36 वर्ष का एक पुरुष को आज मिति 2077 असार 31 गते दिवसों 2:30 बजे उपचार को क्रम में दुखद निधन भएको छ। कोविड 19 बाट मृत्यु भएका दाजू को अंतिम संस्कार का लागि बेंगलोर भारत जानुभएको थियो। मिति 2077 असार 24 गते नेपाल फर्की रौतहट को परुवा क्वारेन्टीन में बस्नुभएको थियो। मिति 2077 असार 29 गते रुगा खोकी ज्वरो तथा श्वास प्रश्वास समस्या आएपछि उहाँलाई सोही दिन नै नारायणी अस्पताल बीरगंजमा आइसीयूमा भर्ना गरिएको थियो। सोही दिन नमूना संकलन गरी हेटौडा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मिति 2077 असार 31 गते कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। बुध दिन मात्र 697 गोटे डिस्चार्ज भेल उ बतौलन। अखन देशक विभिन्न अस्पतालक आइसोलेशन में 1,113 गोटे इलाजरत रहल। प्रवक्ता डॉक्टर देवकोटा के अनुसार प्रदेश नंबर 1 में 40, प्रदेश नंबर 2 में 1,899, बागमती प्रदेश में 466 आ गंडकी प्रदेश में 369 गोटे इलाजरत रहल। तहिना प्रदेश नंबर 5 में 651, कर्णाली प्रदेश में 320 आ सुर पश्चिम प्रदेश में 2,368 गोटे रहल। बुध दिन विभिन्न 26 प्रयोगशाला में 5,090 पीसीआर परीक्षण भेल। अखन धरि 298,829 गोटे के पीसीआर परीक्षण भेल। देश भरि 24,527 गोटे क्वारंटाइन में रहल। प्रदेश दू में और 8 गोटे में कोरोना संक्रमण भेटल। सामाजिक विकास मंत्रालय बुध दिन देने जानकारी अनुसार सब संक्रमित धनुषा के रहल। संगे प्रदेश दू में संक्रमित के संख्या 3,911 पहुँचल। बुध दिन 21 गोटे कोरोना से मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। प्रदेश में 626 गोटे मात्र आइसोलेशन में रहल, सामाजिक विकास मंत्रालय जानकारी दिलक। अखन धरि प्रदेश नंबर 2 में 49,000 गोटे के स्वाब संकलन कैल गेल, जहि में 1,562 स्वाब नतीजा बाकी रहल। यातायात व्यवसायी से वातावरण सहज बनला पर लंबा दूरी के यातायात सो संचालन क सकबाक प्रस्ताव कैलक। यातायात व्यवस्था विभाग में सरोकार वाला परापक्ष संघ परामर्श में व्यवसायी सब सहज वातावरण भेल पर लंबा दूरी के यातायात सेवा संचालन क सकबाक प्रस्ताव पेश कैलक। सरकार अपना सबके परामर्श नहीं कह यातायात सेवा संचालन करबाक निर्णय कैला बाद रुष्ट बनल व्यवसायी से विभाग में भेल सर्वपक्षीय परामर्श में एहन प्रस्ताव कैलक। नेपाल राष्ट्रीय यातायात व्यवसायी महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला वातावरण सहज बनला पर लंबा दूरी के यातायात संचालन करबाक प्रस्ताव कैल गेल बतौलन। नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यबाट को वातावरण बनाउन, पेसा चलाउन, सवारी चलाउन, ब्याङ्करहरूको पेसा मजदुरहरूको भोकालाई सबै कुरालाई अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट परिष्कार, हामीले जिल्ला बनाएर अझ प्रदेशमा जानु छ। लामो दूरीको सवारी साधन पनि 77 जिल्लामा चाहिँ चलिसक्यो भने, चलाउने वातावरण हो भने लामो दूरीको पनि गाडी चलाइदिउँ भन्ने प्रस्ताव पनि आज हामीले गरेका छौँ। प्रदेशको कुरा पनि गरेका छौँ। यो विषयमा फेरि हाम्रो छलफल हुन्छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी पृष्ठ उपाध्यक्ष उपरीक्षक भीम ढकाल सवारी संचालन के लिए जारी भेल प्रोटोकॉल के विषय में परामर्श भेल बतौलन।
पैसा हाली सकेपछि हात पुछपाछ र यहाँहरुले पनि यसलाई चाहिँ पोजिटिभ ठानेर यसलाई सकेसम्म अब अनि हामी ट्राफिक यता मजदुर युनियन सबै भएर चाहिँ हामीले विशेष गरिकन उपत्यकामा यो सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि यसका चाहिँ प्रोटोकलका कुराहरू जुन छन् सामाजिक दूरीको कुरा र स्वास्थ्य प्रोटोकलको कुरा यो विषयमा हामीले चाहिँ अहिले छलफल गर्यौँ र सबैले चाहिँ अहिलेको सङ्क्रमणबाट जोगाएर यात्रुहरूलाई त्यो जोगाएर चाहिँ आवागमनलाई चाहिँ सहज बनाउने सम्बन्धमा सबैको चाहिँ साझा कुरा भएको छ निर्णय भएको छ र यसलाई हामीले चाहिँ क्रमशः भोलिका दिनबाट क्रमशः चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र यो सम्बन्धमा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशिका एउटा कार्यविधि त्यो पनि लगभग बनिसकेको छ त्यसलाई फाइनल गरेर त्यो बमोजिम चाहिँ यो सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई चाहिँ चालु गर्ने र त्यो चालु गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन निकायले के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ त्यो बमोजिम चाहिँ हाम्रो चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्छ। यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक गोगन बहादुर हमला सवारी संचालन कला पर कोरोना से पीड़ित सकबाक प्रभाव पर नियंत्रण आ न्यूनीकरण के विषय में की कह सकबाक पर विषय में परामर्श भेल बतौलनि कोविड को प्रकोप संक्रमण जोगिन पर्ने पनि छ यी सबै कुराले मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनलाई स्वास्थ्य सुरक्षा का आवश्यक मापदण्डहरू अपनाएर कसरी सुरक्षित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि भोलि त्यसको प्रभावलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकियोस् र नियन्त्रण पनि गर्न सकियोस् भन्ने ढङ्गले सम्बन्धित सरकारवाला निकायले आज हामीले राखेर यातायात व्यवस्था विभागमा छलफल गरेका छौँ नियन्त्रणमा छलफल गरेका छौँ र एउटा एक्सन प्लान चाहिँ हामीले बनाएका छौँ र त्यो एक्सन प्लानमा चाहिँ कुन कुन जिम्मेवारी कुन कुन निकायको के काम हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यो जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ त्यो जिम्मेवारीमा साथीहरूले चाहिँ डिटेल वर्कआउट गरेर चाहिँ अर्को मिटिङ पनि हामी लगत्तै चाँडै राख्छौँ र त्यो मिटिङमा उहाँहरूको तयारी गरेर आउने चाहिँ सवारी साधनलाई कसरी सुरक्षित ढङ्गमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल पनि गरेका छौँ र व्यवसायले त्यो ढङ्गमा पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँका गाडीहरू पनि अहिले मर्मत गरेर केही गाडीहरू सञ्चालनको अवस्थामा छन् भने केही गाडीहरू मर्मत गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। विभाग में भेल परामर्श में यातायात कार्यालय के प्रतिनिधि यातायात व्यवसायी उपत्यका के सब स्थानीय तक के प्रतिनिधि ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि आ स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि समेत परामर्श में सहभागिता छल। सरकार यातायात संचालन करबाक निर्णय कैलो पर पूर्ण रूप में एखनो यातायात संचालन होब नहीं सकल व्यवसायी सब विभिन्न मांग रखत यथास्थिति में संचालन कर नहीं सकबाक बतबैत आयल विभिन्न मांग रखत दवाई व्यवसाय सब बुध दिन सो आंदोलन में आंदोलन कैलक नेपाल में उत्पादन होब वाला दवाई सबक प्रकृति संग मिलल दवाई विदेश से आयात में रोक लगाओल जेबाक स्थानीय औषधि उद्योग के प्रोत्साहन कैल जेबाक मांग रखत व्यवसायी सब आंदोलन में उतरल अपना सब संग सरकार बेर बेर समझौता कैलो बादो मांग कार्यान्वयन नहीं भेल व्यवसायी सबके ऊपर उपराग नाकाबंदी आ भूकंप के समय में समेत दवाई अभाव होब नहीं देने स्मरण करबत नेपाल में औषधि उत्पादक संघ के पूर्व अध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठ दवाई उद्योग पर सरकार कुदृष्टि राख्ने ओ बचौलनि त्यसो भन्दैमा बिरामीहरू हात्तिनु पर्दैन हामी अत्यावश्यक औषधिहरूलाई उपलब्ध गराउने कुनै न कुनै सोचेर हामी अगाडि बढ्छौँ तर यो सरकारलाई हाम्रो एकदम स्ट्रङ चेतावनी 45% करिब 50% औषधि नेपालमा बनाउँछौँ यसलाई हामी 80% पुर्याउन सक्छौँ सरकारले सहयोग गर्नु आत्मनिर्भर हुने हुनु भन्ने कुरा गलत हो होइन गलत होइन नि जस्तो तपाईँहरूकोमा पनि क्लिन फिट सायद 3 वर्ष अगाडि पास भएको थियो अहिलेसम्म क्लिन फिट लगाएको छैन किन त भन्दाखेरि यो विदेशी दबावै होइन कुनै कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो नत्र भने तपाईँहरूको टिभी च्यानलहरूमा मैले हेर्दाखेरि विदेशी एक्टर एक्ट्रेसहरू राखेर विदेशी भाषामा आजकल त डब गर्न लाग्यो त्यस्तो एड हामीलाई हेर्ने आवश्यक छ नेपालको एड एजेन्सीहरूले घाटा भयो त्यसमा आत्मनिर्भर हुने नेपाल सरकारको सोचै छैन हामी जहिले पनि परनिर्भर भएर बाँच्न सोच छ। आषाढ़ 22 गते सैनिटाइजर दर्ता के म्याद 3 महीना बढ़ेबाक निर्णय पर सेहो औषधि उत्पादक संघ के विरोध है नेपाल में सो सैनिटाइजर के गुणस्तरीय आ व्यवस्थित रूप से उत्पादन भ रहल ओ बतौलनि
नेपाली कांग्रेस स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण में भेल भ्रष्टाचार के छानबीन क कार्यवाही करब मांग कलकु। नेपाली कांग्रेस कोविड-19 के अनुगमन समिति बुधिन केन्द्रीय कार्यालय सानिपा में पत्रकार सम्मेलन क स्वास्थ्य सामग्री खरीद में भेल भ्रष्टाचारक छानबीन क दोषी के कार्यवाही करब मांग कने। समिति के संयोजक प्रकाश शरण महत स्वास्थ्य सामग्री खरीद में अनियमितता भेल भेटला से छानबीन क कार्यवाही करब मांग कल गए ओ बतौलन। बजेट को व्यवस्था केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय निकायहरूलाई सुनिश्चित गर र त्यो चाहिँ बजेट सुनिश्चित गर्दा जहाँ ज्यादा चाप छ क्वारेन्टाइनमा धेरै चाहिँ संख्या छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही रेशियोमा बजेटको व्यवस्था गर। त्यहाँ को चाहिँ काङ्ग्रेस छ स्थानीय निकायमा कम्युनिस्ट छ यो हेर्ने बेला होइन। अहिलेको बेला के हो भने संक्रमण रोक्ने बेला हो। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ यो दायरा यो टेस्टिङको परीक्षणको दायरा चाहिँ यो चाहिँ यो क्वारेन्टाइन केन्द्रभन्दा बाहिर लैजाऊ ट्रासिङ ट्र्याकिङ गरेर चाहिँ समुदायमा फैलिन रोक्नबाट यो चाहिँ बढाउनु पऱ्यो उहाँले चाहिँ घटाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले फाइन्डिङमा के पायौँ भने यो चाहिँ व्यापक दुरुपयोग भइराखेको छ। स्थानीय निकायमा पनि सिधै त्यसको समानान्तर रूपमा पैसा उपभोक्ता समितिबाट बाँड्ने केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि जुन चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ गम्भीर छानबिन गरेर सम्बन्धित छानबिन निकायले चाहिँ कारवाही गरोस् भन्ने पनि हाम्रो यो माग छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी यो चाहिँ सेमी लकडाउनको अवस्थामा जुन चाहिँ यो अवस्थामा यो जोखिम बढ्छ अब सङ्क्रमणको जोखिम बढ्छ त्यस हुनाले यो चाहिँ मास्क लगाउने र दूरी कायम भौतिक दूरी कायम गर्नेलाई कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो एउटा सचेतना अभियान पनि चलाउनु पऱ्यो यो पनि हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ धेरै ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ नियमित छैन जोखिममा छन्। यो बालमृत्यु दर बढ्या छ मातृ मृत्यु दर बढ्या छ र सँगसँगै के बढ्या छ भनेदेखि यो चाहिँ यो चाहिँ आत्महत्या गर्ने चाहिँ दर चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा बढ्या छ। यतातर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छैन यसप्रति पनि हामी ध्यान गराउन चाहन्छौँ। भनेपछि सँगसँगै यो सरकार जिम्मेवारी निभेला सँ कोभिड-19 के व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग मात्र लिन पर्दा महत्त्व बताउन नै छ हुनसक्छ तर 20-25 दिनमा ऊ सङ्क्रमित भइसक्यो 20-25 दिनपछि रिजल्ट आयो नेगेटिभ प्रमाणपत्र लिएर ऊ चाहिँ घर फर्किन्छ तर त्यसै बिचमा ऊ सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइन केन्द्र नै सङ्क्रमणको केन्द्र बनिरहेको चाहिँ अवस्था हामीले चाहिँ पायौँ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र मापदण्ड अनुसार चाहिँ गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ सरकारले राख्नुपर्छ तर राखिराखेका छैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारहरूको कुनै चाहिँ योगदान छैन। स्थानीय सरकारले चाहिँ सकि नसकी चलाइरहेको अवस्था छ उनीहरूको चाहिँ एउटा नियन्त्रणभन्दा बाहिर स्रोत र साधनभन्दाको सीमितताभन्दा बाहिरको अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ पायौँ। समग्रमा चाहिँ सरकार जिम्मेवार नभएको सम्पूर्ण यो चाहिँ के छ भनेदेखि कोभिड व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय निकायले मात्रै लिनु परेको र सिधै चाहिँ सरकारी आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत उपभोक्ता समिति बनाएर काङ्ग्रेस जहाँ चाहिँ स्थानीय निकाय जितिया छ सिधै चाहिँ के छ भने पैसा चाहिँ प्रवाह मैले ल्याएको मैले गरेको नियम कानुनलाई पुरा चाहिँ दरकिनार गरेर गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ पायौँ। अरबौँ रुपियाँ चाहिँ के छ भनेदेखि नोक्सानी अरबौँ खरबौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय महामारी व्यवस्थापन के नेतृत्व लेबनी सकल महत्व बतौलन। समुदाय में ट्रेसिंग आ ट्रेकिंग परीक्षण के दायरा बढ़ाओल जेबाक में क्वारंटाइन में रहल सबके मात्र परीक्षण सीमित कने महत्व बतौलन। बढ़त गेल आत्महत्या आ मृत्यु द्वारा घरेलू हिंसा तथा कोविड-19 के बाहर आओर स्वास्थ्य सेवा में देखल गेल समस्या समाधान कर समेत कांग्रेस मांग कने। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित एक से बेसी शिफ्ट में माध्यमिक विद्यालय कॉलेज विश्वविद्यालय संचालन करबाक व्यवस्था कर समेत कांग्रेस मांग कलक।
जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के नगर प्रमुख लाल किशोर शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर भेल फर्जी हस्ताक्षर सब बहुमत से पहुँचा कर नगर सभा सम्पन्न कने कहत असंतुष्ट वार्डाध्यक्ष सब सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर कने नगर प्रमुख लाल किशोर शाह प्रचलित कानून के व्यवस्था करते कानूनी विपरीत नगर सभा सम्पन्न कने आरोप में वार्डाध्यक्ष सब बुध दिन सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता कलक नगर सभा रद्द की मांग करत उत्प्रेषण के मुद्दा दर्ता कराने जनकपुर धाम उप महानगरपालिका नौ के वार्डाध्यक्ष परमेश्वर शाह बतौलन अपना सब रद्द हो पड़ा मांग दाबी सहित सर्वोच्च में उत्प्रेषण मुद्दा दायर कने वड़ा नंबर 7 के वड़ा अध्यक्ष जानकी राम शाह जानकारी दिलाने वड़ा नंबर 9 के वड़ा अध्यक्ष सहित वड़ा अध्यक्ष जानकी राम शाह सदस्य नाजिर हुसैन निवेदन देने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भगवान रामक जन्मस्थल अयोध्या प्रदेश नंबर 2 के बीरगंज स्थित ठोरी गांव में रहल कहक दिन अभिव्यक्ति के विरोध जारी रहल सीता के जन्मस्थल जनकपुर धाम में सो प्रधानमंत्री ओली के यही अभिव्यक्ति पर विरोध भ रहल बुध दिन जनकपुर धाम हिंदू परिषद नेपाल प्रधानमंत्री ओली के अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनबत नगर में प्रदर्शन कने परिषद प्रधानमंत्री ओली अपन अभिव्यक्ति फिरता लेब पर मांग कने हिंदू परिषद नेपाल जनकपुरक कमिटी के अध्यक्ष मिथिलेश झा धर्म के विषय में राजनीति करनी हेबा कहित प्रधानमंत्री ओली अपन अभिव्यक्ति तत्काल फिरता लेब पर बतौलन हिंदू परिषद जनकपुर धामक रामायण चौक से रैली निकालत नगर के विभिन्न भाग परिक्रमा क जनक चौक में पहुँच कर कोना समय कने कोना समय परिषद अध्यक्ष मिथिलेश झा नागरिक समाज के मुरली मनोहर मिश्र लगात के प्रधानमंत्री ओली के अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनौलन तहना प्रेस काउंसिल के सदस्य नवल किशोर यादव सो भगवान रामक जन्मस्थल भारतक उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में रहल सरयुग नदी के किनार में रहल आ सीता के जन्मस्थल मिथिला के तत्कालीन राजधानी एखनुक जनकपुर धाम भेल ओ बतौलन लंबा समय से पदाधिकारी विहीन रहल राष्ट्रीय महिला आयोग में शीघ्र पदाधिकारी सब नियुक्ति कर संसदीय समिति सरकार के निर्देशन देने पदाधिकारी नियुक्ति नहीं भेला से नीतिगत काज समेत कर समस्या भेल कहते संसदक महिला तथा सामाजिक समिति तत्काल अध्यक्ष लगात के पदाधिकारी की नियुक्ति कर सरकारक ध्यान आकर्षण कर आवश्यक समन्वय कर समिति महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक के मंत्रालय के निर्देशन समेत देने लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्याय के लिए बहुयामिक दृष्टिकोण से कार्य सम्पादन कैल जेबा पर पदाधिकारी अभाव में ई काज होब नहीं सकल समिति सभापति नीरु देवी पाल बतौलन तसर्थ आयोग में अध्यक्ष लगायत का पदाधिकारी शीघ्र नियुक्ति करने तर्फ समिति को यह बैठक नेपाल सरकार को पुनः ध्यान आकर्षण कराते सो संबंध में आवश्यक समन्वय का लागि महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय निर्देशन करद दुई महिला अधिकार को उपभोग में लैंगिकता में आधारित हिंसा एवं सामाजिक कृति महिला बड़ी प्रभावित हो हिंसा पीड़ित महिला संरक्षण पुनर्स्थापना सशक्तिकरण करने तर्फ आवश्यक कार्यक्रम संरचनाहरूको न्यूनता रहनु लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली को दायरा बढ्न नसक्नु आर्थिक उपार्जन में महिलाहरूको सहभागिता अपेक्षित रूप में कम हुनु उल्लेखित विषय में तीन तह का सरकार बीच नीतिगत कार्यक्रमगत एकता एकरूपता कायम हुन नसक्नु लगायत का प्रमुख समस्याहरू रहेका छन् उल्लेखित विषयहरूमा स्पष्ट समयानुकूल र सर्वस्वीकार्य धारणा विकास गरी नीति रणनीतिगत सुधार गर्न गराउन र प्रतिफल हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गराउन विद्यमान समय रूपमा पुनरावलोकन गर्न गराउन कारण भइरहेका कार्यक्रमहरूको परिणाम लक्षित सूचकका आधारमा नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार सुधार वा परिवर्तनका लागि सिफारिस गर्न र लैङ्गिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि गर्नुपर्ने सुधारहरूका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न गराउन समिति राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ तीन श्रमको मूल्य हुन्छ यद्यपि परम्परागत सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभ्यासले हेर्दा गर्दा घरेलु श्रमको मूल्याङ्कन भइरहेको अवस्था भइ नरहेको अवस्था छ जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिला जसमध्ये अधिकांश घरेलु काममा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको श्रमको मूल्यको गणना नगरिनु आफैमा न्यायसङ्गत छैन महिला ऊपर हो भला घरेलू हिंसा चेलीबेटी बेचबिखन आ विभिन्न प्रकारक हिंसा से पीड़ित महिला सबके न्याय में पहुँच के सुनिश्चित कर प्रदेश स्तर में कार्यालय आवश्यक रहला से यही संबंध में आवश्यक व्यवस्थापन कर सो समिति निर्देशन देने सभापति पाल बतौलन
महिला अधिकारक के नाम में बहुत ठाम में महिला अधिकारक दुरुपयोग भेल सांसद सब बतौलक विशेष कर वैदेशिक रोजगारी में गेल पुरुष सब महिला से पीड़ित भेल पर न्याय नहीं पौने कहत सांसद सब उपराग कैलक महिला तथा सामाजिक समिति में भेल परामर्श में सांसद सब विदेश गेल पुरुष सब से महिला से पीड़ित बहुत होत आयलो पर हुनका सबके न्याय नहीं पौने न्याय नौ पौने भेटल बतौलन राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन उपराग परामर्श में सांसद गंगा चौधरी पीड़ित पुरुष सब से न्याय खोज कत जेबा कहित प्रश्न कैलन पुरुष कहाँ जाने न्याय खोजन बच्चा आपको स्वास्नी राम्रो लगाउला खाउला दिउला भन्ने अवस्था में तिनीहरु विदेशिएका हुन्छन् श्रीमती पूरा संपत्ति पैसा लिएर अरुसँग गएको हुन्छ अनि तिनीहरु कहाँ न्याय पाउने हामी सबै महिला ठीक छौ भनेर हुँदैन महिला भन्दा पुरुष धेरै पीड़ित छन् भन्न मात्रै नसकेको हो रातको घाममा पसिना बगाएर चाहिँ सम्पत्ति कमाउनु गएको छ सम्पत्ति मेरो शिर सांसद हीरा गुरुङ आयोगमे सहर केन्द्रित कार्यक्रम के प्राथमिकता दिने कहित पुरुष हिंसा के घटना में सो दायरा में आनल जेबाक बतौलने छ आफ्नो चाहिँ श्रीमतीलाई विश्वास गरेर पुरुषहरूले आफ्नो घर बार धन सम्पत्ति सबै सम्पत्ति चाहिँ श्रीमतीको नाममा सुम्पेर विदेश उसले चाहिँ त्यो तातो घाममा पसिना बगाएर चाहिँ सम्पत्ति कमाउनु गएको छ सम्पत्ति मेरो श्रीमती र छोराछोरीको लागि म कमाउन आएको भनेर चाहिँ उसले त्यो भए भरको आफ्नो जीवनले धानी नधानी कमाएको सम्पत्ति श्रीमतीलाई पठाएको छ तर आउँदाखेरि सम्पत्ति पनि हुँदैन घरबार पनि हुँदैन श्रीमती पनि हुँदैन त्यसरी हामीले एउटै मात्रै महिला भनेर महिलाकै मात्रै अधिकार र महिलालाई मात्रै न्यायको लागि हेर्ने होइन हामीले प्रत्येकले चाहिँ दोहोरो भूमिका खेल्नुपर्छ र दोहोरो र दुईटैलाई न्याय दिलाउने काम गर्नुपर्छ आयोगके सचिव सन्ता अधिकारी पुरुष हिंसा होइत अयलो पर घटना सब पहरा बनि सकल ओ बतौलन आयोग के कार्यक्षेत्र भीतर के पुरुष के घटना सब ले बनि पेबाक प्रावधान रहल हुन कहबै छ पुरुष हिंसा में परे कुरा हामीले एक पनि लिएका छैनौ तर वास्तविकता के हुँदो रहेछ भने अहिले जुन वैदेशिक रोजगारी में गएको चाहिँ महिलाहरूले सबै सम्पत्ति लिएर अन्यत्र गए भन्या छौ नि हामी महिलालाई मात्र दोष लाछौ तर त्यहाँ भित्र हामी हेर्दै गयौ भने त्यहाँ पनि अर्को पुरुषले चाहिँ शोषण गरेको छ महिला चाहिँ पीडित भएको छ किनभने कुनै न कुनै रूपमा त्यो महिलालाई महिला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले बिरगन्ज जाँदाखेरि हाम्रो साथीहरूले त्यहाँको रियालिटी भन्नुभएको 2075 सालसँग 2076 खाड धरि घरेलु हिंसा आ महिला हिंसाक 1474 घटना भेल अछि आयोगके प्रतिवेदन अनुसार सबसे बेसी महिला सब मानसिक हिंसा के 589 घटना भेल अछि शारीरिक हिंसा के 458 आर्थिक हिंसा के 224 आ यौनजन्य हिंसा के 47 घटना भेल अछि राष्ट्रीय सभा के दिगो विकास तथा सुशासन समिति कोविड-19 से प्रभावित शिक्षा क्षेत्र के नियमित कर ऑनलाइन कक्षा के प्रभावकारी बनाब सरकार के निर्देशन देने कोविड-19 के कारण शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण रूप में बंद भेल अवस्था में मंत्रालय ऑनलाइन शिक्षा लागू कलो पर एकर प्रभावकारिता नहीं देखल गल कहित नया ढंग से व्यवस्थापन कर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के निर्देशन देने समिति सभापति तारा देवी भट्ट ऑनलाइन कक्षा के प्रभावकारिता काठमांडू उत्पादन त्याका लगायत के सुगम क्षेत्र में समेत नहीं देखल गए बतौलने शिक्षा प्रविधि तथा शिक्षा मंत्री गिरिराज मजी पोखरेलजी बोलाएर हम समिति में ये समिति ने इसमें यह कोविड-19 पछि को जो शिक्षा क्षेत्र में भएको अन्योलता त्यसलाई यो धेरै जसो विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर यो अनलाइन शिक्षाको जो कुरा छ त्यसलाई उपत्यकामै पनि राम्ररी प्रभावकारी नभएको र विकट ठाउँहरुमा जस्तै हाम्रो देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरुमा यसको कुनै सम्भाव्यता नै नभएको हुनाले ती विद्यार्थीहरु त्यसबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ त्यसो भएको हुनाले यो अनलाइन शिक्षा त्यति अहिले प्रभावकारी न समिति माध्यमिक शिक्षा एन आ उच्च शिक्षा के एन के एखनको परिस्थिति अनुसार परिमार्जन क लागू कर समेत निर्देशन देने सभापति भट्ट 2028 साल में निर्माण भेल एखनक शिक्षा पद्धति के नियमन कर नहीं सकत कहित परिमार्जन कर निर्देशन देने ओ बतौलने
प्राथमिक नदिकन 6,000 रुपियाँमै धेरै वर्ष अगाडि देखुन सीमित राखेको हुनाले उनीहरूमाथि परेको पीर मार्कालाई यथाशीघ्र तत्कालै चाहिने यसको निराकरण गर्ने भन्ने कुरा हामीहरूले शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई त्यो कुरा निर्देशन गऱ्यौँ र विद्यालयको अनुगमन गर्दाखेरि कानुन अनुसारको रकम चाहिने लिएर मात्रै त्यो अनुगमन गर्ने भन्ने त्यो कुरा विद्यालयलाई कुनै प्रेसर नगर्ने किसिमबाट यो तरिका चाहिने हाम्रो मन्त्रालयले गर्नु पर्यो भन्ने त्यो कुरा पनि गऱ्यौँ। अनि यो COVID-19 पछिको बाल शिक्षा अन्तर्गत सहजकर्ता बाल शिक्षकके लेल कानुनी तोक्ने न्यूनतम 13,000 रुपैयाँ प्रश्रमिक देबाक व्यवस्था मिलाव समेत समिति मन्त्रालयको निर्देशन देने छ। महालेखा परीक्षक 97 प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2075-76 के कुल बिरुजमे से 97% बिरुज मुख्य 10 मन्त्रालयमे भेल देखौलक अछि। बुधिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीके समक्ष पेश भेल प्रतिवेदनमे आर्थिक वर्ष 2075-76 मात्र कुल बिरुज रकम 1,32,39,59,00,000 रुपैयाँ रहल लिखल अछि, जाहिमे से 97% बेरोज मुख्य 10 मन्त्रालयके रहल अछि। महालेखा परीक्षक कार्यालयके नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफले आर्थिक वर्ष 2077-76 कुल बेरोज रकममे से 97% बेरोज मुख्य 10 मन्त्रालयमे रहल बतौलनि अछि, जाहिमे से सबसँ बेसी बेरोज अर्थ मन्त्रालयके रहल अछि। अर्थ मन्त्रालयके 19,06,68,00,000 रुपैयाँ बेरोज रहल अछि। तहिना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयके 14,00,00,000 रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयके 9,00,00,000 रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयके 4,00,00,000 रुपैयाँ, खाने बानी मन्त्रालयके 4,28,00,00,000 रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयके 3,03,00,000 रुपैयाँ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयके 2,95,00,000 रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयके 2,63,00,000 रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयके 2,14,00,000 रुपैयाँ आ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयके 1,38,00,000 रुपैयाँ बेरोज देखल गेल अछि। एहिबाहेक आओर मन्त्रालयके कुल बेरोज 6,54,60,00,000 रुपैयाँ देखल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2075-76 धरिके कुल बेरोज रकम 6,64,44,00,000 रुपैयाँ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 2074-75 में से आर्थिक वर्ष 2075-76 के कुल बेरोज रकम घटल देखल जाइत अछि। नायब महालेखा परीक्षक काफले सबसे बेसी बेरोज सार्वजनिक खरीद आ आयोजना व्यवस्थापनमे देखल गेल बतौलनि अछि। लेखा परीक्षण गरेको अङ्क पनि अलिकति बढेको छ, बेरोज पनि बढेको छ, तर बेरोजको प्रतिशत चाहिँ 5.29% छ। अलिकति बेरोजको प्रतिशतमा चाहिँ अलिकति कम भएको छ। अनि 97 प्रतिवेदन अहिले भर्खर जुन माननीय महालेखा परीक्षकज्यूले महालेखा परीक्षक कार्यालय आर्थिक वर्ष 2075-76 कुल 5,619 निकायके 51,71,64,00,000 बराबरके लेखा परीक्षण सम्पन्न कयने छ, जाहिमे से संघीय मन्त्रालय तथा निकाय दिस 3,120 कार्यालय सब, जिल्ला समन्वय समिति 77% मन्त्रालय कि 1,000 कार्यालयमे से 998 कार्यालय स्थानीय तह, 753 तहमे से 43 तहके लेखा परीक्षण भेल अछि। तहिना 4 स्थानीय तह बकियौता लेखा परीक्षण करौलक अछि। तहिना समिति तथा आओर संस्था सब 577 संगठित संस्था 93 निकायके वित्तीय लेखा परीक्षण भेल। महालेखा परीक्षक कार्यालय 97 प्रतिवेदनमे लिखल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघके वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गुल्चा राजनीति कर आ फोटो लटकाव मात्र महासंघके नेतृत्वमे नै आयल बतौलनि अछि। महासंघके चुनावक लेल किशोर प्रधानक समूहके उम्मीदवारी घोषणा समारोहमे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुल्चा अपन राजनीति कर आ फोटो लटकाव भन्ने काज कर महासंघ नेतृत्वमे आयल बतौलनि अछि। विनम्र अनुरोध गर्छु, मैले राजनीति गर्नको लागि फोटो झुन्डाउनको लागि यहाँ आएकै होइन, म केही काम गर्नको लागेको छु। यो सङ्गठन जुन मेरो जसमा मेरो बाउ बाजेको पसिना रगत पसिना छ, पूर्व अध्यक्षहरूको रगत पसिना छ, मेरो दाईहरूको रगत पसिना छ, सबै पदाधिकारीजीहरूको रगत पसिना छ, त्यो अर्गनाइजेसनलाई म अझ बलियो बनाउनुको लागि आएको हो, फोटो झुन्डाउनुको लागि आएको होइन साथी हो। तपाईँहरूको सहयोग चाहियो मलाई, र
मैले सजिलो बाटो त अपनाउन चाहिँ त्यति गाह्रो त थिएन नि, होइन? मलाई थाहा छ आज केही हामी जसलाई आदरणीय भन्छौँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ म छ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएर उसलाई फालिदिन्छु भनेर। म अहिले त नेतृत्वमै आएको छैन, तिन वर्ष त पीडा दिनुभयो, अब छ महिनामा फालिदिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मासभित्र के भइरहेको छ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ साथीहरू। यही बाटो जाने हो भने मासँग निष्ठा कारण हुन्छ। एखन सो किछ व्यक्ति छ महिनामे आवश्यकता अविश्वासके प्रस्ताव आनिकऽ हटेबाक चेतावनी दऽ रहलासँ महासङ्घ भीतर भऽ रहल गतिविधिमे समेत सचेत रहल जेबाक अवस्था आयल उकोल्छा पतौल नै छ। जो मेरो अगेन्स्टमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर यो तुरन्तै यो विधान संशोधन गरेर शेखर बोचालाई हटाउनुपर्छ भन्नेहरू जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, जो साथीहरूले भनिरहेछन् कि आज म टिममा छैन, उनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो साथीहरूले होइन तिमी ठिक छौ भनेर मसँग उभिएका छन् उनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो साथीहरूले निषेधको राजनीति गरे, म जहाँ जहाँ गए त्यहाँ मलाई अरू साथीहरूलाई रोके, मलाई केही गर्न दिएन, मलाई कहाँ जाँदाखेरि त्यो शेखर बोल्छ असफल हुन्छ उसलाई न उसको मिटिङमा नजाऊ भन्ने साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहाँ म गएँ मैले साथीहरूको हौसला पाएँ र आज यो ठाउँमा पुगेको छु उनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्य समितिमा हरेक महासङ्घ नेतृत्वमे गेला बाद की काज करबाक विषयमे अपने गृह कार्य कऽ रहल आ जल्दी रोडमेप बनाकऽ सार्वजनिक करबाक बतौलनि छ। ओना मार्गदर्शन तैयार कऽ कऽ सबके सङ्ग लऽ कऽ आगाँ बढ़बाक प्रतिबद्धता समेत जनौलनि छ। चितवनके भरतपुर स्थित अत्याधुनिक शॉपिंग मॉल सीजी लैंड मार्क यही कॉम्प्लेक्स के व्यवसायी के लॉकडाउन के अवधि भर 4 महीना के भाड़ा छूट देव लागल। सीजी लैंडमार्क के अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरी के निर्देशन में भाड़ा छूट देवक निर्णय भेल। चौधरी लॉकडाउन के कारण बहुत समस्या भूक रहल मध्यम व्यवसायी सबके राहत भेटेबाक कहित भाड़ा छूट के निर्देशन देने चौधरी के ई निर्णय सँ मलक व्यवसाय के उत्साहित बनल। मल व्यवस्थापन जिम्मेवारी लेने बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी के संचालक राजेंद्र अरियाल भाड़ा छूट के विषय में व्यवसायी के जानकारी करौलक। एम्हर सिविल मॉल के व्यापारी सब लॉकडाउन अवधि के पूरा भाड़ा छूट कैल जेबाक मांग करते प्रदर्शन कयने। सिविल मॉल के व्यापारी सब लॉकडाउन अवधि के भाड़ा छूट दिल जेबाक मांग करते मॉल संचालक विरुद्ध आंदोलन में उतरल। सिविल मॉल व्यापार संघ के उपाध्यक्ष धनवीर श्रेष्ठ लॉकडाउन अवधि के पूरे भाड़ा छूट कैल जेबाक मांग करते विरोध में रहल उ बतौलने। भाडाको विषयमा 10 दिनदेखि जारी छ र हामीले चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरको भाडा छुट मागेको छौँ, उहाँहरूले चाहिँ अलि कुरा गर्नु बोलाउनु भएको छैन होइन। त्यसको लागि अब हामी बन्द गरेर बसे पनि कसरी भाडा तिर्ने भन्ने हो। हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर चलि नै रहन्छ हजुरको, अब अझै उहाँहरूसँग समझदारी नभएसम्म चाहिँ चलि नै रहन्छ भनौँ न। व्यापारी सब लॉकडाउन अवधि भर दोकान खोल नहीं पाने कहते अवधि के पूरे छूट भाड़ा छूट दिल जेबाक बतौलक। वो सब लॉकडाउन खुजला बाद से व्यापार नहीं भेला से भाड़ा तिर नहीं सकबाक बतौलने। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस कारण मृतक संख्या 582,123 पहुँचल। संक्रमित के संख्या विश्वभर में 1,34,95,134 पहुँचल। संक्रमित में से 78,80,340 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में एखन धरि 1,39,184 गोटे के मृत्यु भेल, 35,47,413 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 74,336 गोटे के मृत्यु भेल। बेलायत में 44,968 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना इटली में 34,984 गोटे के जान जा चुकल। स्पेन में 28,400
409, फ्रांस में 30,029, ईरान में 13,410 गोटे के मृत्यु भले, चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। तहिना कक सऊदी अरबिया में 2,283, यूई में 335, कतार में 151 गोटे के मृत्यु भले, एम्हर भारत में मृतक संख्या 24,371 पहुँचल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से, नेपाल में कोरोना वायरस का संक्रमण से बुध दिन रौथट में गोटे के मृत्यु, मृतक संख्या 39 पहुंचल। वातावरण सहज बनला पर लंबा दूरी के यातायात सुसंचालन क सकबाक यातायात व्यवसायी सबक प्रस्ताव। वैदेशिक रोजगारी में गेल पुरुष सब महिला से पीड़ित भेलो पर न्याय नहीं पौने शांत सबक कथन। आर्थिक वर्ष 2075-76 के कुल बेरोज में से 97% बेरोज मुख्य 10 मंत्रालय में, सबसे बेसी अर्थ मंत्रालय में बेरोज। आ विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस का मृतक संख्या 582,123 पहुँचल। एखन के लिए समाचार आत्मी पल पल खबर तेज नजर देखते रहो अपन टेलीविजन। नमस्कार।